अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजीसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेशन। आई एम तारिक जावेद। तो बेटा हम आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगर ओवरऑल हम रेशियो देखें तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की नस्बत सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने पूरे 11 चैप्टर में जस्ट एक ही केमिस्ट्री की ब्रांच को डिस्कस किया है और वो थी फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी सारी सारी क्या थी? फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की केमिस्ट्री की डिफरेंट बुक्स पढ़नी है। तो आप थोड़ा सा हिंट ले रहे थे, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसका रोड मैप क्या है और वेटेज क्या है, कौन कौन से पोर्शन की कितने कितने वेटेज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके साथ साथ एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऐसे बेटा स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं? 16 चैप्टर्स हैं। ऑलमोस्ट टोटल 16 चैप्टर्स हैं। वो जो 16 चैप्टर्स हैं, उन 16 चैप्टर में से कितने टाइप की केमिस्ट्री है, यानी कितने हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़नी है बेटा? जो मेजर पोर्शन है, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन 16 चैप्टर में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हमारा जो केमिस्ट्री वो कौन सी ऑर्गेनिक पोर्शन है। सेकंड जो पोर्शन है बाय वेटेज वो बेटा इनऑर्गेनिक पोर्शन है। इनऑर्गेनिक पोर्शन की बात करें तो इनऑर्गेनिक पोर्शन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक 6 जो चैप्टर है वो किस में आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का वो कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री। उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया है और वो ऑलरेडी आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स और इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 15 ये बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने डिस्कस करना है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लाइक इसमें हमने पेपर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, पेपर कैसे बनता है, हम सीमेंट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे एज वेल एज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यूरिया फर्टिलाइजर है उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन है। तो तीन किस्म की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, उसके बाद डिफरेंट जोन जो आ जाते हैं लाइक मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और उसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलाइसिस, लाइक ओजोन जो है उसका क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन एंड सो ऑन, सारे सारे हमें जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा बात है कि पोर्शन इसकी परसेंटेज क्या है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वाइस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक पोर्शन है बेटा कितने परसेंट पेपर बनता है इन 7 चैप्टर में से? ऑलमोस्ट 88% पेपर बनता है, यानी सिर्फ ऑर्गेनिक जो 7 चैप्टर्स हैं बोर्ड में कितने मार्क्स का पेपर आना है और उसकी परसेंटेज देखें तो 88% ऑलमोस्ट पेपर किससे बनता है बेटे? ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से बनता है। इसी तरह अगर हम एंटी टेस्ट की बात करें तो यही जो ऑर्गेनिक पोर्शन है एंटी टेस्ट में भी ऑर्गेनिक पोर्शन से बेटा चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 तक 13 इसमें इंक्लूड होगा 14 भी, इसमें ऑलमोस्ट सेकंड ईयर पोर्शन से जितने एमसीक्यूज बनने हैं ओवरऑल बेटा एंटी टेस्ट में 60 एमसीक्यू होते हैं और उन 60 में से 28 एमसीक्यू जो हैं, सॉरी 18 एमसीक्यू जो फर्स्ट ईयर से हैं और बाकी जो 38 एमसीक्यू हैं वो किधर? सेकंड ईयर। और वो 38 एमसीक्यू में से ऑलमोस्ट 90% एमसीक्यू जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पोर्शन से बने। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि ऑर्गेनिक पोर्शन इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम इंशाल्लाह स्टार्ट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करेंगे सेकेंड ईयर। नेक्स्ट बेटा जो मेजर पोर्शन आया था बेटा इनऑर्गेनिक पोर्शन है। इनऑर्गेनिक पोर्शन की अगर वेटेज देखें तो ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 से 1.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 3 शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन को एक बनता है, दो लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। इसी तरह तीन पार्ट बनते हैं ऑलमोस्ट 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन,
उसमें बन जाते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में, और तमाम तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आता है, तो ऑलमोस्ट 6 इसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इन 6 चैप्टर में से, और 1.1 टू 1.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री बेटा ऑलमोस्ट कभी-कभी बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल, ये तीनों चैप्टर्स हैं, लाइक चैप्टर नंबर 14 प्लस चैप्टर नंबर 15 और प्लस चैप्टर नंबर 16, इन तीनों को मिलाकर 1 से या 1 से 1.5 तक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑलमोस्ट इसमें 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आना होता है, किसी भी चैप्टर से वो दो ले लेते हैं। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में साइक्लिक केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि तमाम चैप्टर में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, सॉरी, और टोटल एमसीक्यू जो है 17 होते हैं, तो किसी भी एक चैप्टर से दो एमसीक्यू को कलेक्ट जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर चैप्टर नंबर 14 15 और 16 इसमें बेटे 1 से 1.5 तक लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 3 एमसीक्यू रहते हैं। तो ये तो बेटा एक पूरा पूरा रोड मैप। अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो एंट्री टेस्ट में इनऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक के 6 चैप्टर और 3 चैप्टर, ये जो 9 चैप्टर्स हैं, बल्कि हमने 14 चैप्टर इधर इंक्लूड कर लिया, जो 8 चैप्टर्स हैं बेटा, इस 8 चैप्टर में से जस्ट 10% एंट्री टेस्ट कंपाइल होता है, और सिर्फ इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हैं उसमें से 90% एमसीक्यू होते हैं। तो इसमें अब आपको सारा आइडिया हो गया कि हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा और सबसे अहम जो हमारा पोर्शन है वो कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी को इंशाल्लाह हम लेकर स्टार्ट करते हैं। Let's start with it. Starting with it, chemistry, secondary chemistry. But almost 200 years ago, almost 200 years, 200-300 साल पहले तक थे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को उनके सोर्सेज की बेस पर डिफरेंशिएट कर दिया। यानी 300 साल पहले तक कोई केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं थी, कोई ऑर्गेनिक नहीं थी, कोई इनऑर्गेनिक नहीं थी, बल्कि सारे के सारे जो कंपाउंड थे वो क्या थे, केमिकल कंपाउंड थे। फिर उन कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं, उन कंपाउंड के सोर्सेज के बेस पर साइंटिस्ट ने केमिकल कंपाउंड्स को दो श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। बेटा ओवरऑल देखें तो हमारे पास अगर केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो केमिकल कंपाउंड के जो सोर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है लिविंग सोर्स और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग सोर्स। हम अपनी कॉमन लाइफ में भी अगर बात करें तो कॉमन लाइफ में हमारे पास जितनी चीजें हैं उनके बेटा दो सोर्स होते हैं। कुछ चीजें जो है हमें लिविंग सोर्स से मिल रही होती हैं, कुछ चीजें नॉन लिविंग सोर्स से मिल रही होती हैं। जैसे हम वाटर है, वाटर हम क्या नीचे जमीन से निकालते हैं, रॉक से निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट रॉक्स ऑफ अर्थ से निकाल रहे होते हैं। इसी तरह हमें जो अनाज मिलता है, जो हम खाते हैं, खुराक खाते हैं, वो फ्रूट कभी वो हमें क्या जो है दरख्तों से मिल रहे होते हैं, वो लिविंग थिंग से मिल रहे होते हैं। मीट आप खाते हैं, चिकन आप खाते हैं, वो भी क्या लिविंग इन नेचर है। तो ऑन द बेस ऑफ सोर्सेज देयर द अल्केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड या केमिस्ट ने क्या किया, सेपरेट कर दिया केमिकल कंपाउंड्स को दो हिस्सों में, एक बेटा लिविंग सोर्स, दूसरा क्या नॉन लिविंग सोर्स। अब लिविंग सोर्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जबकि नॉन लिविंग सोर्स कौन से बेटा, रॉक्स एज वेल एज मिनरल्स। अब लिविंग सोर्स से मिलने वाले जो कंपाउंड्स थे उनमें मोस्टली बेटा वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बने हुए थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी वो कंपाउंड जो हमें लिविंग सोर्स से हासिल हुए थे वो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट और इनसे मिलकर बनने वाले एलिमेंट्स पर मुश्तमिल थे। और सबसे ज्यादा अगर एग्जांपल है तो लिविंग सोर्स से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी हमारे पास सीरल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की नेचर से हो जाती है, फैट्स, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। इसी तरह लाइफ यानी बायो लाइफ मॉलिक्यूल्स वो सारे सारे क्या उनका सोर्स होता है, लिविंग होता है। सिमिलरली अब जो वो एलिमेंट वो कंपाउंड जो हमें नॉन सोर्स लिविंग जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं वो कौन से होते बेटा, ऑल एलिमेंट
मिलकर बनते हैं जो किसमें होते हैं पीरियोडिक टेबल में होते हैं, यानी नॉन लिविंग सोर्स से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर ये तो होते ही हैं, इनके साथ साथ बाकी भी पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स से वो जो कंपाउंड बना रहे होते हैं बेटा वो क्या होते हैं नॉन लिविंग नेचर होते हैं। अच्छा अब इसकी एग्जांपल देते हैं बेटा, नॉन लिविंग सोर्स को होते हैं साल्ट्स मिनरल एसिड्स लाइक कौन कौन से एसिड बेटा HCl H2SO4 HNO3 ये सारे सारे नॉन लिविंग नेचर नॉन लिविंग सोर्स हासिल करते हैं। सिमिलर में वाटर ये सारे सारे बेटा क्या है इन सब का सोर्स है नॉन लिविंग सोर्स, इनका जो सोर्स है वो क्या है लिविंग सोर्स है। ठीक है बेटा अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि देखा कि ऑल लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी बहुत बड़ी जो है वो क्लास आ गई, बहुत ज्यादा कंपाउंड ऐसे जिनका सोर्स लिविंग है, बहुत ज्यादा कंपाउंड ऐसे जिनका सोर्स क्या है नॉन लिविंग है। फिर उन्होंने देखा कि एक अलग अलग कंपाउंड जिनकी नेचर डिफरेंट है, लिहाजा जो नॉन जो वो कंपाउंड जिनका सोर्स था लिविंग उन कंपाउंड को बेटा नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन कंपाउंड को ना क्या नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्ड जो ऑर्गेनिक है बेटा वर्ड ऑर्गेनिक ये ड्राइव हुआ है ऑर्गन से। ठीक है ऑर्गन का मतलब क्या होता है एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू यानी वो कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं उनको क्या नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया, और वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं उनको बेटा नाम क्या दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। ठीक है यहां तक साइंटिस्ट ने मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये अब तक वो तमाम के तमाम कंपाउंड को सेपरेट किया जो ऑर्गेनिक नेचुरली तौर पर अकर करते थे, मतलब इनमें कोई भी कंपाउंड जो लेबोरेटरी प्रिपेयर नहीं था वो जो एग्जिस्टेंट कंपाउंड था उनको सेपरेट किया था कि इसका ये सोर्स है ये इससे हासिल हुआ ये इससे हासिल हुआ ये प्लांट से हासिल हुआ ये रॉक से हासिल हुआ, चलिए इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये कंपाउंड हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं या नहीं, एक बात। दूसरे नंबर पर क्या इन कंपाउंड को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो बेटा जहां तक बात है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनऑर्गेनिक कंपाउंड उस वक्त भी लेबोरेटरी में बनाए जा सकते थे। ठीक है अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं या फिर क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं कि नहीं। अब इसका आंसर देने के लिए सबसे पहला जिस बंदे ने इसकी प्रोडक्शन में जो है बड़ा काम किया वो क्या थे सर जैकब बर्जीलियस थे, यानी द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस पॉसिबल दैट हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड। तो ये जैकब बर्जीलियस ने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन के बारे में थ्योरी दी 1815 में एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी का नाम क्या बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी है, और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के बारे में जैकब बर्जीलियस का जो व्यू है उसको एक्सप्लेन करती है। बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, क्वेश्चन दो थे कि क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं, तो बेटा इसी बंदे ने थ्योरी दी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। आगे मजीद की डिस्कशन उसने मजीद इसको कैसे एग्जांपलीफाई किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, व्हाई बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी वी हैव टू रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ mysterious force and that force is called vital force, इसलिए इसने थ्योरी का नाम vital force थ्योरी रखा कि देखें organic compound का source है living things, अगर आप organic compound laboratory में बना रहे हैं तो आपके पास वो जादू होना चाहिए आपके पास वो force होनी चाहिए जो जिंदा जानदार से जिंदा जानदार पैदा करते हैं and that is natural force, that's a nature। ठीक है तो इस बंदे ने ये कहा कि
अगर तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी में बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, वही लाफानी फोर्स होनी चाहिए, वही आपके पास वाइटल फोर्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी नॉट प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, सॉरी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, व्हाट्स द वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय मिस्टर सर जैकब ब्रजीलियस। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअली इज रिलेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैबोरेटरी एट सिंथेटिक लेवल। देन जैकब ब्रजीलियस स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। Why? Because for the production of organic compound in laboratory, we have required a large amount of mysterious force. And second statement is that organic compound can also be not prepared from inorganic compound. Next बेटे, अब इस vital force theory की वजह से organic compound की जो production का काम था वो क्या था? रुक गया। Next फिर एक inorganic scientist थे, inorganic scientist क्या नाम था? सर फ्रेडरिक मुलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मुलर। और ये कौन सा जर्मन था बेटा? एक चीज देखिए, जो उनसे साइंटिस्ट के नाम के साथ एक डॉट आ जाए, किसी भी उसके लेटर नाम के लेटर के ऊपर डॉट लगी हो या एक डॉट लिखा या दो डॉट, वो हमेशा जर्मन होते हैं। ठीक है, ये निशानों का जर्मन साइंटिस्ट। मिस्टर फ्रेडरिक मुलर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, वो इनऑर्गेनिक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था। वो दो साल हुए बेटा, एक क्या था? सिल्वर साइनाइड, और दूसरा क्या था? अमोनियम क्लोराइड, सॉरी लिक्विड फॉर्म। इन दोनों चार्ज के लिक्विड को उसने मिक्स किया, तो एक हमारे पास माना जो AgCl, और AgCl की क्या थी? वाइट प्रेसिपिटेट थी। ये तो वाइट प्रेसिपिटेट होकर सॉल्यूशन के नीचे बैठ गया, साथ उसको जो सॉल्यूशन मिला उसमें जो है अजीब तरह का कंपाउंड था, यानी अमोनियम साइनाइड सॉल्यूशन मिल गया। उसने क्या, उसमें वाटर पिया, यानी इसमें क्या लिक्विड वाटर भी है। ये क्या था? ये सॉलिड बनकर नीचे बैठ गया। यही जो अमोनियम साइनाइड था लिक्विड फॉर्म में, उसने इसको क्या किया? हीट किया ताकि से वाटर वेपर सेपरेट हो जाए। जैसे ही वाटर वेपर सेपरेट हुए बेटा, ये क्या हो गया? रीअरेंज होकर क्या बन गया? यूरिया। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हुआ क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इससे पहले जैकब ब्रजीलियस साहब कह चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब उस बंदे ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया, तो ये क्या है? यूरिया। यूरिया पहले, यूरिया का सोर्स पहले क्या था? यूरिया का सोर्स बेटा होता है यूराइन ऑफ मैमल्स, यूराइन ऑफ ह्यूमंस। हमारे यूराइन में मैमल्स की यूराइन में यूरिया होती है। इस बंदे ने क्या कर लिया? इनऑर्गेनिक साल्ट से यूरिया प्रिपेयर कर लिया। जब इस बंदे ने यूरिया लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया, इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। तो फिर इस बंदे ने क्या किया बेटा? ये जो स्टेटमेंट थी मिस्टर जैकब ब्रजीलियस वाले, उसको क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया, बल्कि इसने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। तो इस तरह बेटा इसने वाटर फोर्स को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यानी 1828 में आलोक से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अगर हम बात करें मिस्टर जैकब ब्रजीलियस की, ही वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बंदे को बहुत ज्यादा वर्क था। ये अलग बात है, वैसे जो थ्योरी थी उसमें इससे थोड़ी सी वो क्या कह रहे हैं वो मिस्टेक हो गई, लेकिन इस बंदे बहुत रियल साइंटिस्ट। इसकी जब जैसे वाइटल फोर्स रिजेक्ट हुई बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में बढ़ना शुरू हो गए। अब जन्म दिन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैबोरेटरी में? वाटर फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन 1828 से लेकर अब तक कितने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में प्रिपेयर हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 20 मिलियन प्लस 1 मिलियन सम से कुछ बुक्स में 2 बिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में बन चुके हैं। जबकि शुरू से लेकर अब तक अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट मोर देन 1 लाख। तो अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर 2 बिलियन तक जाकर बन चुके हैं, हालांकि कल 1828 की तो बात है कि कल को ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और 2 बिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
जबकि आप जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो शुरू से जो अरस्तु सक्रात केमिस्ट्री थी तब से बनते आ रहे हैं। इनकी तादाद इतनी कम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर इतने ज्यादा हैं तो क्या रीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसी क्या चीज है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पर आज का हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।